पठानकोट के लमीनी एरिया में सड़क से लेकर गलियों तक की हालत बेहद खस्ता है। वहीं लमीनी एरिया मूलभूत सेवाओं से काफ़ी लंबे समय से वंचित चल रहा है, जिस कारण जहां के लोग मेयर और विधायक से काफ़ी खफा हैं, जिसके चलते लमीनी चौक में विधायक अमित विज और मेयर पन्नालाल भाटिया का पुतला फूंका गया और अपना रोष जताया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस एरिया में कांग्रेस नेता जो कि आजकल पीएडीबी चेयरमैन भी हैं, अवतार कलेर का घर भी है, इसी एरिया में पड़ता है। बावजूद इसके इस एरिया के हालात काफ़ी खस्ता हैं। सरकार नहीं बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एमएलए अमित वेज मुर्दाबाद एमएलए अमित वेज मुर्दाबाद। अज असी भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता के सीनियर कार्यकर्ता ने सारे ने इकट्ठा होके प्रण लिया है कि साढ़े जो लमीनी की हालत है, तुम देख सकते हो कि सड़कों की कितनी बुरी हालत है। समझ नहीं आती कि सड़क स्टोया या स्टोज सड़क है, मतलब कि आए दिन इतने कोई ना कोई हादसा होता रहता है। तो यह जिम्मेवार सिर्फ तो सिर्फ साडा पठानकोट का जो एम एल ए अमित विज है जी, और अलावा पूरे वार्ड के साथ पूरे लमीनी के इलाके डेंगू बड़ी बुरी तरह फैलिया हुआ है। अपनी साड़ी अपना जी कांग्रेस की सरकार है कोई ख्याल नहीं कर रही इस पास, साडा जो मेयर है कांग्रेस का पन्नालाल भाटिया कोई ख्याल नहीं इस पास, हर घर के डेंगू फैल रहा है। इस साढ़े सारा बड़ा रोष है। तो अज असी प्रण लिया है कि असी एम एल ए अमित विज का पुतला फूकांगे, तो एक कड़ा संदेश देवांगे कि आने वाले टाइम के जी लमीनी की सड़क है ठीक किया जाए, डेंगू का जरा चंगी तरह ना तरीके ना इलाज किया जाए। तो मैं इस करके अज साडे पूर्व पार्षद पप्पी जी भी है, साढ़े लमीनी तो वार्ड नंबर 6 तो इलैक्शन लड़ गए योगेश्वर जी भी है, तो असं सारे ने प्रण लिया कि एम एल ए का पुतला फूकांगे, तो कड़ा संदेश सरकार नू एक गुंजी बहरी सरकार नू देवांगे। रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित विज का छापा करे करने हैं, सारे पठानकोट के टेंडर किए इन्होंने, साढ़े एक लोटा पठानकोट जमीनी हैगा टेंडर नहीं पास करे करते, दो साल तो गलियां पुट के रखी दी हैं, ये करके गंदगी का ढेर लगे हुआ लमीनी, डेंगू फैल रहा, मलेरिया फैल रहा, लोग परेशान है, इन्होंने लोगों की समस्या का कोई हल नहीं करे करते हैं, लोगों का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने पैसे इकट्ठे कर लगे रहे हैं। 800-800 का जोड़ा एक बूटा आता 3-3 हज़ार का लगे रहे लान, जो अश्विनी शर्मा जी ने वधिया काम कराया ही वह पट्ठा बिठा लगे रहे, यह चोर MLA है, जरा देर बच नहीं सकता, इन्हों देखो जनता इलैक्शन में सबक सिखाएगी। मेरी अफसरशाही अगे भी यही प्रार्थना है कि वह राज धर्म का पालन कर, अफसरशाही सुधर जो जो काम ठीक है वह करो, एंदे भाड़े के किराएदार के नाते तुम जो काम करे करते हो, जो आप अपनी आई से आ गए तुहानू आपां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक रगड़ांगे, हज भी मौका सुधर जो लोगों का इंसाफ करो। जे हुण तुसीं इह सड़क नहीं बनाई आपां इहदा कड़ा विरोध करांगे, ते तुहानू इहदा खामियाजा भुगतना पवेगा। सिया इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल सिया इंटीरियर। यहां आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर, ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास, क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियर एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियर पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल सीलिंग फर्नीचर एंड डोर पैनल एंड एलिगेंट लुक, एक्सपर्ट इन UV PVC वॉल वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट।